ये गुरु का जन्म मरण दुख जाय वै सिफतख सम्मदी नूर अरसों कुरसों चटी है तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया एकांकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए श्री वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए मुचो आन आनंदपुर थाना कीन सडेरा हेर मकाना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन पवित्र हजूरी दा आनंद माण रही गुरु की संगत। सतगुरां ने सतसंगत दे सुभागे समय प्राप्त कीते ने सानू प्राप्त करवाए ने सतसंगत विच आके बैठे हाँ। धन गुरु गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां दा इतिहास प्रसंग बचन आपां सरवण कर रहे सी। पहाड़ी राजा जो भीम चंद है अपने वजीरां दे नाल सलाह कीती है कि सतगुरां दे कोलों हाथी मंगाया जावे ते बाद विच अपना पक्का कब्जा उत्ते कर लवांगे। हाथी फिर मोड़ांगे नहीं पर किसे बहाने नाल महाराज तों लईए। ते मंत्रियां वजीरां ने सलाह दित्ती है कि कुछ समय बाद तुहाडे पुत्र दा विआह है, विआह दा बहाना लाओ भी महाराज तुहाडा हाथी विआह दे विच बरात दे नाल लै के जाना। महाराज मन गए तो ठीक है, ना मने तो फिर कह दिओ महाराज असी अपने रिश्तेदारां नूं जी आयां वास्ते तुहाडा हाथी खिलारना है तो सतगुरु जरूर मन जाणगे। जदों मंत्रियां ने सलाह दित्ती है तो भीम चंद ने एक अपना बड़ा चातुर वकील जिहड़ा है बड़ा सियाणा उसनू आनंदपुर साहब नू भेजिया भी जाओ सतगुरां दे कोलों जा के हाथी दी मंग करो। भीम चंद दा भेजिया होया वकील आ के पहुँचा आनंदपुर साहब की धरती ते। महाराज जीआं नू किवें बेनती करेगा, सतगुरु की जवाब देणगे अज आपां सरवण करांगे। आओ मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पहुंचो आन आनंदपुर थाना ए भीम चंद दा भेजिया होया जिहड़ा वजीर है ना गुरमुख अहलकार ए आनंदपुर साहब आ के पहुँच गया। ये आप भी हाथी ते चढ़ के आया, भीम चंद नू आखिया मैनू हाथी दे उपर बिठा के भेजो, मेरा प्रभाव पवेगा सतगुरां दे कोल भी मैं बादशाह दा राजे दा खास बंदा हाँ। हाथी ते चढ़िया है वकील आनंदपुर साहब आके पहुंचा है। कीन सडेरा हेर मकाना सोहना जिहा मुकाम देख के सोहनी जी जगह वेख के इसने अपना डेरा लाया रहन दा प्रबंध कीता है। तर कर चीर शरीर अशेरे जदों अगला दिन होया ना जिस दिन महाराज नू मिलना इन्हें अपने शरीर ते बड़े सोहने वस्त्र पाए बड़ा सजिया धजिया चंगे कीमती पोशाके गल विच पाए भी मैं खास व्यक्ति लगा राजे दा सोहने वस्त्र गल दे विच पा के उस वेले सतगुर पौर पहुँच तिस बेरे सतगुरां दे दरवाजे ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जीआं दे दर ते आ के जिहड़ा वकील है उस वेले पहुँचिया है। द्वारपाल को भनत जनाई सतगुरु पातशाह महाराज जीआं दा जिहड़ा पहरेदार ने गुरमुखो दरवाजे ते खड़िया होया उसनू इस वकील ने आके आखिया भी मैं भीम चंद राजे का वकील हाँ, उहदा एक अहलकार हाँ ते सतगुरां नू मिलन वास्ते मैं इत्थे आया हाँ। पठियो मोहे गुर ढिग गिर राई ते पहाड़ी राजयां दा जो सरदार है ना भीम चंद राजा मैनू उत्थों भेजिया गया, उस राजे ने मैनू भेजिया सतगुरां नू मिलन वास्ते
मैं ता इत्थे चल के आया हाँ। अंतर जाए करो सुध मोरी, जाके महाराज नू खबर दिओ, जिहड़ा द्वारपाल सी ना गुरमुखो सतगुरां दे दरवाजे दा सेवादार, उन्हूं वकील आके आखदा भी सतगुरां नू दसो जाके भी मैं आया, भीम चंद दा मैं खासम खास आदमी हाँ, सतगुरां नू मिलन वास्ते आया हाँ। करो वंदना जोग कर जोरी, मेरे वल्लों महाराज जीआं नू जाके मत्था टेक और मेरे वल्लों जाके महाराज जीआं नू सुनेहा देना कर। सुनत पौर पत तिस ठहरायो, कहन लगे वो जिहड़ा सतगुरां दा पहरेदार द्वारपाल है ना सिंह द्वारपाल दरवाजे ते खड़न वाला, उसने वकील नू उत्थे ही खड़ा कीता, कहन लगा भी तू इत्थे ठहर, मैं जाके महाराज नू दसदा हाँ, तो फिर जिवें आ गया होवेगी उवें तैनू मैं दसांगा। भीम चंद दे वकील नू उत्थे खड़ा करके ते ए व्यक्ति महाराज दा सेवादार आया है। आप गयो जह प्रभु सुहायो, इत्थे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज शोभा पा रहे बैठे हुए सन, कहन लगे उत्थे जाके ए जिहड़ा पौर दरबारिया है द्वारपाल आके पहुंचा है। रुख को देख जोर कर बोला, कुछ समा महाराज दे सामने एक साइड ते सिख खलोता रहा, महाराज कोई बचन बलास किसी संगत नाल करदे पै, सिख चुप करके खड़ा रहा, जदों वेख्या भी महाराज ने उधर बचन बलास हुण कर लए ने, हुण इस वेले सतगुरु मेरी बेनती सुन सकदे, उह समा वेख के फिर हथ जोड़ के इसने महाराज जी नूं बेनती कीती है। श्री प्रभ निज दासन को ओला, सतगुरु पातशाह जीओ आप जी अपने दासां नूं आसरा देण वाले हो, जिहड़े आप जी दी शरण विच आउंदे उन्हां नूं आप जी आसरा बख्शिश करदे हो। भीम चंद शैलेंद्र बिलंदों, सतगुरु पातशाह जी जिहड़ा भीम चंद राजा है, पहाड़ी राजिआं दा जिहड़ा सरदार है, श्रोमणी है, वह जिहड़ा राजा भीम चंद है, वकील नमै कर बंदम, महाराज उन्हें एक वकील भेजिया अपने घर अपने कोल, अज आनंदपुर साहब की धरती से एक वकील चल के आया, तो वह बाहर दरवाजे ते खलोता होया, वह आके ये गल कह रहा भी मैनू भीम चंद ने भेजिया, एक सरकारी अहलकार आया महाराज हलकारा आया आप जी के दरवाजे ते, इस तरह आके सिख ने दसिया है। कदम पदम को दर्शन चाह, सतगुरु जी आप जी के पवित्र जिहड़े चरण ने पदम वर्गे, जिन्हां चरणों के विच पदम है ऐसे पवित्र चरणों के दर्शन करने चाहता, तुहानू मिलना चाहता है। उस कार्य हित लखै उमहत, ते ए गुरु का सिख भी बड़ा सियाणा, वकील दीआं गल्लां तो इहनूं इह पता लग गया भी इह किसे काम आया, खाली नहीं आया, तो सिख ने आके महाराज नूं दस्या, कहन लगे सतगुरु उहदा उत्साह वेख के उहदीआं गल्लां बातां दा तरीका वेख के मैनूं इह लगदा भी उह मत्था टेकण नहीं आया, उह किसे काम आया है, किसे काम वास्ते आया लगदा है, मैं उहदीआं गल्लां तो इह हिसाब लाया है। फिरियो पौर पर यथा हुकम हवे, सतगुरु पातशाह जी वह दरवाजे ते खलोता होया है, हुण आप जी दा हुकम मैनू चाहीदा भी की करां, उहनूं बुला के लियावां कि पिछे मोड़ दिया, ये आप जी हुक्म करना करो। कर है सुनावन कृति तथा हुए, सतगुरु पातशाह महाराज जी जिवें तुहाडा हुक्म होवेगा मैं तो उस तरह करना, मैं सेवादार हाँ, हुक्म है तो मैं अंदर ले आउंदा, हुक्म है तो मैं बाहर मोड़ दिंदा, आप जी दसो भी हुण की करना है। श्री कलगीधर सतगुर सचे, सतगुरु पातशाह सचे गुरु ने भाई, झूठ ते रत्ता मात्र जरा जिन्ना भी महाराज के अंदर नहीं है, जो कुछ किया पारदर्शी किया सारयां दे सामने किया, भुलड़ ते भुलक्कड़ लोग ने जिहड़े आखदे भी महाराज ने किया कुछ होर है, विखाया कुछ होर है, सचे गुरु के उपर भी लोग तोहमत ला देंदे, ऐसी दुष्ट बिरति कई लोगों की हो जाती है, पर साहिब गुरु गोबिंद महाराज जी सचे गुरु ने जदों सुनिया बचन पातशाह ने फिर उस वेले उचारी आयस ताचे, सतगुरु पातशाह ने ना सारयां नूं सुना के संगत बैठी है, गुरु के प्रेमी नेमी सिख बैठे हुए, महाराज साहब जिया ने सारिआं नूं सुना के उस वेले आख्या है, कारण तिसको काली, सतगुरु पातशाह कहन लगे नहीं आपां उहनूं मोड़ना नहीं, पर उहनूं मिलना भी नहीं है, बचन दोवें ही ने, ना उहनूं मोड़ना ना उहनूं मिलना, ते सिख ने हथ जोड़ के आख्या महाराज फिर की करना, सतगुरु कहिंदे अज इहनूं रहण दिओ, इहनूं कहो भी अपने टिकाणे ते जाके बैठ जा, इनू कल का समा दो, कल नू मिलांगे, क्योंकि वह मान नाल आया ना भी महाराज शायद मेरा आना सुन के छेती नाल भजे आउणगे मैनू लैण वास्ते, जां कहणगे भी हाँ बाकी सारे काम बंद कर दिओ पहला इनू मिलिए, मैनू विशेष समा देणगे दर्जा देणगे, सतगुरु भी आकड़ वालियां दी आकड़ भन्नण वाले, माण वालियां दा माण तोड़न वाले, तेरे वर्गे कई इत्थे तुरे फिरदे,
सतगुरु कहन लगे अज नहीं मिलना, इनू रहन दियो बाहर खलोता, कल दा टाइम दियो, कल नू इसनू मिलना करांगे। देग रस्त ते रखो ना खाली। ते सतगुरु पातशाह कहन लगे घर आया व्यक्ति मेहमान हुंदा है, भावे वह किसी भी धर्म का किसी भी काम आया वखरी गल है, पर लंगर प्रशादे तो यह खाली नहीं रहना चाहिए, जिहड़ा भी इनू भोजन चाहिए वह पहुँचाया जाए, जिहड़ी सवारी ते आया इहदी सवारी, इहदा वाहन जो भी है, गड्ढे ते आया, हाथी ते आया, घोड़े ते आया, जिहदे ते भी आया, इहदे वाहन का भी रस्त पहुँचाई जाए, तो इनू भी रस्ता बस्ता जिहड़ियां पहुँचाओ, खाली नहीं रहना चाहिदा है। द्वारपाल तबियान सुनाई। महाराज का सुन के बचन ते जिहड़ा द्वारपाल सी ना दरवाजे ते खड़न वाला सिख पहरेदार, सुन के पातशाह का बचन ते बाहर आके उस वकील नू फिर इस तरह दसन लगा है। आची मान गयो निज थाई। ते सतगुरां दा सुनेहा दिता सिख ने आके, सिख ने आख्या वकील महाराज कहिंदे अज नहीं मिलना, तू बड़ा नहा धो के आया, बड़े सोहने कपड़े पा के आया, बड़ी चंगी गल है, पर अज मिलिया नहीं जाना तेरे कोलो महाराज, अज मिलना नहीं तैनू चाहते। सतगुरु कहिंदे भी कल नू तैनू मिलांगे। कहन लगा ठीक है मैं कल नू मिल लवांगा। लालच इहदे मन विच भी हाथी मैं लै जाणा है, ते भीम चंद कोलो मैनू इनाम खनाम बड़े मिलने, रुकण वास्ते तैयार है। कहन लगा ठीक है अज नहीं तो मैं कल नू सतगुरां नू मिल लवांगा। कौन रस्त पुचावन करी। ते सतगुरां दे हुक्म मुताबक जिथे ये हवेली विच टिकिया सी ना, जिथे इस दा रात दा टिकाणा कीता, उत्थे खाण वास्ते जिहड़ियां रस्तां बस्तां चाहीदियां सारियां इस दे कोल पहुँचाइयां हन। खान पान कीनस बिद खरी। ते कहन लगे बड़े चंगे तरीके दे नाल इसने रात नू प्रशादा पानी छकिया, इहदे हाथी दे खाण वास्ते भी भोजन जिहड़ा उस वेले चारा वगैरह पहुँचाया है। डेरे होए निसां बिताई। अपनी हवेली विच रह के जिथे महाराज आए गए मेहमानां नू टकाउंदे, उस हवेली विच रह के इस वकील ने रात बतीत कीती है। जागे पुन प्रभात होवे। गुरमुखो अगला दिन आ गया, क्योंकि कल दा समां दित्ता सी ना महाराज ने, अगला दिन आ गया जिस वेले सवेर होई है, सारे आपू अपनी जगह ते उस वेले उठे हन। सतगुर कर शनान शुभ नीरों। इधरों साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहब जी अमृत वेले उठ के शुद्ध जल दे नाल महाराज जिया ने सोहने जल दे विच पातशाह ने अमृत वेले का गुरमुखो इनान किया है। समाध लगाए गहीरों। ते सतगुरां दा नेम है गुरु घर की मर्यादा। सतगुरु की करते सन कि अमृत वेले इनान करन तो उपरंत अपने शरीर के उपर वस्त्र धारण करके ते पातशाह फिर बैठ जाते सन कोई समा ध्यान दे विच। इस तरह ध्यान ला के परमेशर दे विच जुड़दे ते फिर बाद विच संगत नूं मिलदे। ये गुरु घर की परंपरा महाराज के जीवन दे विच। और सतगुरां ने यह हुक्म अपने खालसे और सिख नूं भी किया है, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हरनाम ध्यावे। अमृत वेले उठ के नेत्र बंद करके संसार की फिक्र परे करके निरंकार दे नाल जुड़िया कर, अपने ध्यान नूं जोड़न दा यतन कर, कुछ समय वास्ते उहदे ध्यान विच बैठिया कर, तैनूं शांति प्राप्त होवेगी, तैनू वस्तुआं, तैनू दातां, तैनू बख्शिशां, तैनू खुशियां प्राप्त होणगियां। ये महाराज ने सानू भी हुक्म किया, पर असी इस हुक्म नूं निभा नहीं पाउंदे। नितनेम करदिआं भी सानू दुनिया चेते है, संसार चेते है, पदार्थ चेते है, नितनेम करदिआं भी टिका नहीं है, टिकना ते चाहीदा, थोड़े समय वास्ते टिक। माइयां बीबियां जाग नूं दुध लाउंदे, दुध नूं जाग लाउंदियां, तां ही उहदा दही बणदा। हुण दुध नूं जाग ला के उहनूं हाथ विच फड़ के सारी रात हिलाई जाओ ते सवेर चढ़दे नूं दही नहीं बनना, भावें किन्नी भी चंगी जाग क्यों ना लाई होवे, किन्ना भी चंगा दुध नूं सही तरीके नाल गर्म कीता होवे, सही भांडे विच पाया होवे, सही जाग लाई होवे, ते जाग लाउण वाली बीबी दा तजर्बा बड़ा होवे, सारा कुछ ही बड़ा चंगा, पर दुध दा दही उन्ना चिर नहीं जमेगा जिन्ना चिर दुध नूं टिका नहीं दिओगे, हिलदा होया जमेगा नहीं। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਹਿਲਦਾ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਤੂੰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਨ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ, ਸੰਸਾਰੀ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ, ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਮਨ ਟਿਕੇ ਕਿਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ संसार वालों टुट के निरंकार दे नाल जुड़, ध्यान जोड़, तेरा भला होवे, अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।
एक दिन ऐसा आवेगा तेरा ध्यान जुड़ी जाएगा, पर प्रयास करना पवेगा, अभ्यास करना पवेगा। साइकिल ते चढ़ीए तो पहले दिन साइकिल नहीं चलाना आता, पहले दिन ही उत्ते चढ़ के उन्हूं कोई भिजा लेंदा, भावें मोटरसाइकिल है भावें गड्डी है, पहले दिन तो नहीं ना गल बनी। किन्ने दिन सीखना पिया, कई बारी आप डिगे, कई बारी किसी नूं डिगया, पर करद्या करद्या एक दिन वो आ गया भी पूरा उस्ताद बन गया, हुण दूजियां नूं सिखाउंदा। कुछ समा उह सी जदों आप डिगदा सी, हुण वो समा दूजियां नूं दसदा पिया। गल कित्थे बनी आ, अभ्यास ते आ के। पर नितनेम वेले पता नहीं तेरा अभ्यास, नाम वेले तेरा अभ्यास कित्थे चले जांदा, करदा ही नहीं, करन तो बिना प्राप्ति नहीं है। रहो विचार, सतगुरु अमृत वेले उठे ते उठ के महाराज साहब जी उस वेले ध्यान में जुड़े ने, ते जदों जुड़ गए हन चार शरीर चीर विद निकम, ते सतगुरु पातशाह जदों दीवान विच आउण दा समा होया ते सोहणे वस्त्र कलगियां वाले पातशाह ने उस वेले पाए हन मंदी जगार उचर उशनीकम, ते सतगुरां ने सोहणी पग बन के, ते पग दे उपर महाराज जीआं ने सोहणी कलगी जिहड़ी सजाउणा कीती है। उदियो दियोसपत बहर आए, इन्ने चिर नूं कहिंदे वी सूत दा वी थोड़ा थोड़ा प्रकाश धरती ते होणा शुरू हो गया, दिन का चढ़ावा हो गया, तो महाराज उस वेले बाहर आए हैं। सुंदर शोभ वधाए, सतगुरां दे सीस दे उपर कलगी, ते कलगी दे उपर सूरज दीआं किरणां पैंदीआं, ते कलगी चमकदी है, ऐसी सुभा महाराज जीआं दे पवित्र सीस दी गुरमुखो हो रही है। नंद चंद जुत बरिंदम संद, सतगुरां दे नाल भाई नंद चंद बड़े वड्डे इलाके दा इह मसंद है, 2.5 लाख रुपया संगत दी गराही इकट्ठी करके इसने महाराज वास्ते चंदूआ चांदनी बनाई है, बड़े वड्डे इलाके का यह जथेदार मोहतबार है, ये भी महाराज जीआं दे नाल तुरिया आउंदा है। पद अरबिंद बंद कर बंदों, जदों सतगुरु घरों बाहर निकले तो सारियां तो पहला चरणा ते मठा नंद चंद मसंद ने टेकिया, अगे हो के महाराज जीआं दे दिदारे करदिआं होइआ मातुल तब कृपाल चले आए। इन्ने चिर नूं महाराज जीआं दे मामा जी कृपाल चंद उह भी तैयार हो के अपने घर दे विचों, जदों पता लगा भी सतगुरां दा दरवाजा खुल्लिआ, महाराज बाहर निकलन लगे ने, मामा जी भी झट तैयार होके पहुंचे हन। भगनी नंद बंद सुख पायो, ते कह लगे अपनी भगनी दे, भगनी नाम गुरमुखो हुंदा भैण दा, ते नंद नाम हुंदा पुत्र दा। कृपाल चंद जिया ने अपनी भैण दे पुत्र साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिया दे चरणा दे नमस्कार करके सुख पाया है। चौबीर भाणजे आए, इसे तरह महाराज जिया दे पंजे भरा ते साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह दे पंज भाणजे भाई संगो शाह हुणी जिहड़े ने, बीबी वीरो जिया दे पुत्र ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिया दे लगे भराता, ये भी चल के आ गए हन। वस्त्र शस्त्र ते अधिक सुहाए, इन्होंने भी सोहने शस्त्र वस्त्र अपने शरीर ते सजाए हुए हन। दर्शन कांकी संगत जेती, इस तो बिना ये ते ओ ने जिन्हां दे नाम इतिहास विच आए, इहदे तो बिना जिहड़ियां संगतां आउंदियां महाराज दे दरबार दर्शनां दी कांखा लै के इच्छा लै के, कांख नाम गुरमुखो इच्छा दा ही है, कांखी एक दरस तुहारो, कांखी तो भाव इच्छा, एको इच्छा केड़ी तुहाडे दर्शनां दी, होर भी बेअंत संगतां महाराज दे दीदारे दी इच्छा लै के जिहड़ियां आईआं, उन्हां ने भी आके आपू अपने समय ते नमस्कारां कीता है। लै उपायन पहुंची तेती, जिहड़ी जिहड़ी कोई भेटा लै के आया महाराज वास्ते सारियां लिया लिया के अगे रखियां हन। होर लगी अरदास अगारी, सतगुरां दे सामने उस वेले फिर अरदासा गुरु के सिख वल्लों कीता गया है। हेर हेर हरखत होए मारी, ते सतगुरां दा सुंदर सरूप वेख वेख के, वेख वेख के जिहड़ा भी वेखदा महाराज तों बलिहार जांदा कुर्बान जांदा सदके जांदा, ऐसा सुंदर शरीर महाराज साहब जिया का है। सिंघासन थित ढुर तो चौर, ते सतगुरु पातशाह महाराज जी सुघासन ते आके विराजमान होए, ते भाई कीर्तिया महाराज का सिख हाथ में चौर लैके सतगुरां दे पवित्र सीस दे उपर चौर की सेवा करते हैं। कुल सोढ़ी सरमौर, सोढ़िया के कुल दे श्रोमणी, सोढ़िया की कुल नूं भाग लाने वाले साहिब गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दीवान विच संगत विच आके बैठे हन। दासन करे भावना पूरी, सतगुरु जी अपने दासां दी गुरमुखो भावना नूं श्रद्धा नूं प्यार नूं पूरा करन वाले हन। सब ते भई सवा शुभ पूरी, हुण सतगुरां दा दीवान पूरे दा पूरा भर गया, महाराज तख्त ते बैठ गए, गुरता गद्दी ते बैठे, संगतां सजे खब्बे आके बैठ गईयां, मामा जी आ गए, भरा आ गए,
कहण तो भाव सारिया के नाल पूरा दरबार भर गया। बेअंत संगत महाराज के दरबार में पहुंचिया हैं। करुणा भरे बिलोचन कोर हैं ते सतगुरु पातशाह जी के गुरमुखों नेत्र जड़े कृपा दे भरे हुए कृपा दे भरे हुए जिधर नू वेखदे महाराज कृपा ही कृपा बख्शिश ही बख्शिश कर दे। सतगुरु की दृष्टि जड़ी है कृपा कटाख अवलोकन किनो दास का दुख बिदारियो ऐसे कृपा दे भरे हुए नेत्र हन। प्रिय सिखन की ओर सतगुरु पातशाह जी अपने प्यारे सिखां दे वल वेखदे पै कृपा भरी नेत्रां दे नाल तकदे हन। दोहरा नंद चंद कर बंद कह भीम चंद सैलंद जदों सतगुरु बैठे ना तखत ते संगतां ने दर्शन किते ते महाराज जिया दा जथेदार मसंद नंद चंद उन्हें अगे हो के महाराज नूं आख्या सतगुरु कल एक वकील आया सी भीम चंद दा ते तुसीं आख्या सी भी इहनूं रात नूं इत्थे रहण दिओ आपां कल नूं मिलांगे ते महाराज ओह कल आ गई है हुण दसो की करना है। नंद चंद ने महाराज दियां नूं अगे हो के बेनती की है पठियो सो अबै हकारिए दरसै पद अरविंद सतगुरु पातशाह की करिए आप जी हुक्म देवो भी की करना। महाराज कहन लगे जाओ भाई एक सिख नूं भेजो बुलाओ फिर उस वकील नूं मिलिए उहदे नाल गलबात करिए वेखियो की कहिंदा है। इस तरह कहा पातशाह जी ने चौपाई ले श्री गुर ते हुक्म पठायो सतगुरां दे कोलों लै के हुक्म एक सिख नूं भेजिया भी जाओ भीम चंद दे वकील नूं जिहड़ा आया बुला के लिआउणा करो। सुन वकील सो तत शने आयो ते कहन लगे जदों ये सिख पहुंचिया ना जाके वकील कोल ये भी तैयार होके बैठा उड़ीकदा पिया भी कदों सुनेहा वा सुनेहा आए ते मैं महाराज जीआं नूं मिला सुनेहा पहुंचिया वकील झाटी तैयार होके उस वेले चलिया है। सभा मझार प्रवेशो आई जिस दीवान विच साहिब सतगुरु बैठे हुए संगतां बैठियां होईयां उस दीवान दे विच आ के जिहड़ा वकील पहुंचिया है हर अकोर को ग्रीव निवाई भीम चंद राजे वल्लों कुछ भेटा लैके आया पातशाह वास्ते ओह भेटा इसने लिया के अगे रख के ते महाराज नूं अपने वल्लों मत्था टेकिया ते फिर बेनती की महाराज मैं अपने राजे भीम चंद वालों भी आप जी नमस्कार करदा इस तरह दो दो बारी नमस्कारा करदा है। जहां मेवरे थान बतायो उस वेले मेवड़ा सिख महाराज का अरदासिया कोल खलोता होया उसने थान दसिया भी इस थान के उपर बैठे त्रस्त अंग सुक चाहो सिख ने इशारा किया भी ठीक है दीदारे कर लिया ओ सामने जगह उस जाके बैठ जा तेरी वारी आएगी तेरी गल भी सुनांगे तू दरबार में आ गया संगत भी बैठी हुई है संगत की फरियाद सुनी जाएगी फिर तेरी भी सुनी जाएगी जिथे जगह दसी ना बैठन वास्ते बैठे आया तो बड़े चा दे नाल पर सतगुरां दा जलाल वेख के महाराज दे सूरमे तैयार बर तैयार देख के वकील दे कहिंदे पसीने छुट गया उस वेले डर गया किहड़ी जगह ते आ गया ते कहन लगे बैठा है अपने अंगा नूं बड़ा संकोच के बाहरों ते बड़ा शेर बन के आया चौड़ा हो के आया जदों सतगुरां दा नुरानी चेहरा वेख्या ते कहन लगे भय आया हुण सुंगड़ गया निक्का जिहा बन गया अपने लत्तां बाहवां नूं कठियां करके नीवां जिहा हो के नीवीं पा के बड़े संकोच दे नाल अपनी जगह ते जाके बैठा है। दीहि प्रताप दिखत प्रभ केरो सतगुरु पातशाह दा प्रताप बड़ा वड्डा भाई ऐसे प्रताप नूं कौन झल सकदा है। सतगुरां दा प्रताप वेख के भय वेख के वकील डरिया डर के बड़े संकोच दे नाल बैठा है। जथा इंद्रासन इंद्र सोहेरो कहन लगे जिवें इंद्र दे आसन दे उपर इंद्र आके बैठदे ने गुरमुखो इंद्र नाम पदवी का ही है इंद्र नाम राजे का नहीं है इंद्र नाम पदवी का है कुर्सी का है अहदे का है जिवें आपां कह लईए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री एक पद है मुख्यमंत्री भी एक पद है उहदे ते कोई बंदा बैठा हो सकता है उहदा नाम कोई भी हो सकता है पर जिहड़ा उस पदवी ते बैठा है उहनू मुख्यमंत्री ही कहना पवेगा उहनू प्रधानमंत्री कहना पवेगा ना उहदा कोई भी हो सकता पंजा सालां पिछों बदल जांदा है पर जिहड़ा कुर्सी ते बैठा है वजना उहने ही प्रधानमंत्री है। इस तरह इंद्र भी एक पदवी का नाम है जिहड़ा स्वर्गां दे देवतियां दा जिहड़ा श्रोमणी राजा उस कुर्सी का उस अहदे का नाम है इंद्र ते जिहड़ा उत्ते राजा बैठदा उहनू इंद्र दे नाम दे नाल संबोधन किया जांदा गाव है तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतियां दर नाले महाराज
ऐ अकाल पुरख तैनू इंद्र ते आसन ते इंद्र दा एक आसन आसन दा नाम ही इंद्र है उस आसन दे उपर जिहड़ा भी राजा बैठदा है उहनू इंद्र कहा जांदा है वह देवता भी आप जी नू याद करदा रो विचार कहन लगे सतगुरां दा दरबार इस तरह का महाराज इस तरह बैठे हुए जिवें इंद्र सिंघासन दे उपर इंद्र बैठा हुए सतगुरु इस तरह शोभा पा रहे हैं हाथ बंद करे अर्ज गुजारी इस दी जदों वारी आई ना तो फिर इस नूं आवाज मारी सिख ने भी आ भाई दस हुण तू की करना आया की चाहुंदा तो जदों वकील दी वारी आई इन्हें हाथ जोड़ के फिर सतगुरां नूं बेनती कीती है करी नमो नृपा पगारी कहन लगा सतगुरु जी मेरा राजा भीम चंद आप जी का बड़ा सत्कार करता बड़ा प्रेम करता बड़ी निम्रता है तुहाडे अगे उह डाढा न्यौंदा है ऐसी ओदी भावना है कदम पदम पर सिर नजर रखा ते सतगुरु पातशाह जी आ मैं अपना सिर तुहाडे चरणा ते रखण लगा इहनू मेरा सिर ना समझो ये समझ लो भी मेरे राजे भीम चंद का सिर मैं तुहाडे कदमा ते रखिया उहदे वल्लों मैनू हुक्म है कि सतगुरां दे चरणा ते जाके अपना सिर रख देवी ते सतगुरां नू कह देवी भी ये मेरे वल्लों नमस्कार महाराज प्रवान करो ऐसा ये प्रेम झूठा विखावा फरेब जिहड़ा हुंदा ना झूठ नूं विखावा ज़्यादा करना पैंदा सच नूं करन दी लोड़ नहीं पैंदी है सोने दा गहना असली जिहड़ा उन्नी चमक नहीं रखता नकली जिहड़ा उह ज़्यादा चमक रखता ज़्यादा सोहना लगता हुण है ते इहनां कोल फरेब झूठ ठग शरदा अंदर नहीं पर विखावा ज़्यादा कहन लगा जी मेरे राजे वल्लों आप जी दे चरणा ते मैं सीस रख के नमस्कार करदा हाँ दासन दास होन अभिलाखा ते महाराज मेरा राजा भीम चंद आप जी दे जिहड़े दास ने उहनां दे जिहड़े दास ने उहनां दा भी उदास है इन्नी निम्रता विखाई राजे ने बनदा ते गुरु घर नालों वड्डा है उच्चा है पर हुण हाथ ही लैणा ना हुण उह प्रेम जिहड़ा दुगुणा तिगणा करके विखाउंदा पिया महाराज मेरा राजा भीम चंद इह गल कहिंदा है महाराज के घर के जिहड़े दास ने सेवक उन्हां सेवकां दे जिहड़े अगे सेवक ने मैं ते उन्हां दा सेवक हां इन्नी निम्रता है मेरे राजे विच आप जी दे सेवकां दा भी उह सेवक बणदा है फरमायो श्री मुख अरविंदम सतगुरु पातशाह महाराज ने सुने बचन ते पातशाह जाणदे ने महाराज ने उस वेले अपने मुख तों आख्या कहन लगे वकील जिहड़ियां मिठियां ते चोपड़ियां गल्लां तूं करदा है सारे कहते असीं पढ़े होए तेरे तों पहलां जिहड़ियां गल्लां तूं करन आया है इह गल्लां विचों असीं निकले होए हां सानूं सब पता तेरे वर्गे चातुर ते सियाणे बड़े इस दुनिया ते हो के चले गए ते सतगुरु पातशाह ने उस वेले सुन के इहदियां गल्लां ते अपने कमल वर्गे सोहणे मुख तों महाराज ने आख्या है भीम चंद मनुजेंद्र बलिंदम ते सतगुरु पातशाह कहन लगे भीम चंद राजा बहुत वड्डा हुण जिवें दी इहने गल कीती है भी उह तुहाडे दासां दा दास है ते उहदा भी चरण तुहाडे उहदा भी सीस तुहाडे चरणा ते है ते सतगुरु भी फिर उही बात करदे कहन लगे भी असीं भी जाणदे हां भी राजा बहुत चंगा है कौ कारण तो निज आगम नूं ते सतगुरु पातशाह कहन लगे के कुशल समेत कहाँ अब थिरयो ये दूजा बचन महाराज ने किया सतगुरु पातशाह कहन लगे इस वेले तेरा राजा किथे है ये सवाल किया तू चल के आया साडे कोल तेरा राजा भीम चंद पहाड़िया जो राजा इस वेले किथे टिकया होया केड़ी जगह ते है उहदे बारे दसना कर कित ते जाए गमन कित करियो जदों सानू मिल के गया कई महीने हो गए ने किधर नूं गया इत्थों मिल के उदों मगरों कोई सुध नहीं कोई खबर नहीं कोई गल नहीं कोई बात नहीं तो जिहदे नाल बंदा प्यार करदा प्रेम करदा रिश्तेदारी बनाउंदा है तो उहनूं आपां याद करदे रहिंदे आ ना समें समें मुताबक तो जिहनूं आपां कम पैण ते याद करिए उहदे नाल फिर प्रेम नहीं हुंदा मतलब हुंदा भी मतलब आ गया तो कढ लओ हुण इहनूं करो याद इहदे नाल मतलब है निकल गया तो परे ते सतगुरु वो गल चेते कराउंदे पिया भी एक पासे तुसी आखदे हो भी असी ते दासां दे दास हाँ जी सेवकां दे सेवक हाँ जी ते पातशाह कहिंदे इन्ना चिर हो गया भीम चंद नूं मिल के गया नूं अगे ते कदे खबर नहीं आई किथे चला गया जो उहने कदे सानू याद नहीं कीता है कौ कारण तूं निज आगम नूं ते सतगुरां दा तीजा सवाल इह आ भी तूं किस काम वास्ते आया वकील बोलिया नहीं भी कम आया पर सतगुरां ने पहलां दस्या कहन लगे तेरियां मिठियां गल्लां तो पता लगता भी तू कुछ ना कुछ लैण ही आया किहड़ा काम है ये तीजा सवाल है किस काम वास्ते तैनू भेजिया ये दस भी कादे वास्ते साडे कोल आया है पटे होए निरप कारज कवनों ते सतगुरु पातशाह कहन लगे जे तेनू राजे ने भेजिया भीम चंद ने भेजिया
ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ। ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਬਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਸੁਣਤ ਦੂਤ ਨੇ ਕੁਸ਼ਲ ਜਨਾਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਦੂਤ ਨੇ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ, ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਪੋ ਦਰਸਕੀਨ ਗਿਰ ਰਾਈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮੀ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਗੁਣ ਗਨ ਰਾਵਰ ਕੇਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਦੋਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖਬਰ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਹੀ ਇੰਨੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ, ਖਬਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਨਤ ਹੈ ਸਭ ਨਿਕਟ ਬਡੇਰੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, 22 ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਤੇ 21 ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ, ਜਿੰਨੇ ਰਾਜੇ ਆਸ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇ, ਨੇੜੇ ਦੇ, ਦੂਰ ਦੇ, ਪੜੋਸ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਵਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਗਹੀਲ ਰਸੀਲੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਬਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਹੀਲ ਰਸੀਲੇ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਬੜਾ ਗਹੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੀਲ ਸ਼ਬੀਲਾ ਹਰਤਾ ਹੀਲੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਿਲ ਚੁਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ, ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਡੀਲ ਡੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕੜੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਭਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸਨ, ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਦਮ ਪਦਮ ਗੁਰ ਕੇ ਜਬ ਆਏ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਦਮ ਵਰਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਚਰਨ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਹੋਤ ਭਲੇਰਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੈ ਸੁਣ ਦਰਸ ਦਰਸ ਕਵੈ ਹੀਰਾ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਕਹਿ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸ ਕਵੈ ਹੀਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਈਏ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਿਹਾਲ। ਬਚਨ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਨੇ। ਬਚਨ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ,
पर ये वो सच्चे तरीके नाल नहीं कह रहा, ये तो अपना मतलब कढ़न वास्ते प्रशंसा करता पिया भी भीम चंद राजा ये गल कहिंदा भी महाराज दे कोई वचन सुने भावें कोई दर्शन करे सहत फल दे हो जाता है। आप आप शप जय हैं ते सतगुरु पातशाह जी तुहाडे दर्शन करके राजा कहिंदा भी पाप नाश हो जाते वचन ते गुरमुखो ये भी सच्चा ही है। धन दसवें पातशाह के दर्शन करके वाकई ही पाप ते सारे नाश हो जाते ऐसे महाराज के पवित्र दर्शन हैं। जह केहर तह नह गज पै हैं जिथे केरी शेर होवे ना बब्बर शेर जिसन आख्या जाता है केरी शेर जिथे होवे फिर हाथी का डर नहीं रहिंदा क्योंकि शेर गजया नहीं ते हाथी जंगल विचों भजया नहीं। जिथे शेर आ जाए उत्थे फिर हाथी एक ते की भावें पांच दस भी आ जाए तां भी डर कोई नहीं है। ते साडा राजा भीम चंद ये गल कहिंदा भी महाराज ते है ने बब्बर शेर भाई केरी शेर ने ते महाराज दे हुंदियां सानू निके मोटे बंदियां दी कोई परवाह नहीं है। जिवें शेर दे कोल हुंदियां हाथियां दा डर नहीं सतगुरां दे कोल हुंदियां सानू किसे राजे दा जां किसे रियासत दे हमला करन दा कोई डर नहीं है। इस तरह भीम चंद राजा तुहाडी वडियाई करदा है। सब हन दुर्लभ दर्शन जोयो सतगुरु पातशाह महाराज जी राजा ये गल आखदा भी सानू ते बड़े दुर्लभ दर्शन महाराज जीआं दे नेता प्रति होंगे ने। जो असी अपनी पहाड़ी के उपर चढ़ के देखते हैं सानू इतों ही आनंदपुर साहब दिसदा है ये साडे वड्डे भाग ने जो सतगुरु साडी रियासत विच साडे नेड़े रहन आ गए मेरे वड्डे भाग चंगे कर्म ने मैं हर वेले महाराज दे शहर दे उची थां तों चढ़ के दर्शन करदा हाँ। भूतल इतको पावन होयो ते सतगुरु पातशाह महाराज दियां ने यह साडा घर पवित्र कर दिता है साडा राज पवित्र कर दिता है साडी रियासत पवित्र कर दिती है साडी धरती ते महाराज दे कदम पए ने साडी धरती पवित्र हो गई है। ये साडा राजा भीम चंद आप जी दी वडियाई करदा वकील बड़ा सियाणा बड़ा चातर बड़ा चलाक है भावें कि भीम चंद ने गल्लां किसे कोल कीतियां जां नहीं कीतियां पर अपने कोलों बना बना के दसी जांदा भी भीम चंद ये भी कहिंदा ये भी कहिंदा ये भी कहिंदा इन्हां गल्लां दे नाल महाराज खुश हो जाण ते ये जान लैण भी वाकई भीम चंद सानू बड़ा प्यार करदा है ते फिर जिहड़ी वस्तु मंगीए महाराज किते ना ना कर देण पर सतगुरु जानी जाण। ये सारियां गल्लां इस वकील ने महाराज के सामने आखियां हन। इत्यादिक महिमा गुण वृंदम इत्यादिक कई तरह की महिमा कई तरह के गुण गायन उस राजे ने आप जी दे कीते हन। सुनत रहे सब कहे निरंदम ते ए सुनत रहे जो साडा राजा तुहाडी तारीफ करदा बाकी राजे फिर मन एकागर करके पातशाह तुहाडी सिफत सुन दे वो राजे भी हाँ विच हाँ मिलाउंदे भी वाकई महाराज इन्हां सिफतां दे योग ने वाकई सतगुरु ऐसे ने साडा राजा तुहाडी इस तरह सिफत करदा है और बाकी दे जिहड़े राजे ने वो आप जी दे गुण सुनदे रहिंदे ते सुन सुन के निहाल हुंदे हन। इत ते जाए ना कित हो गयो ते इत ते जाए महाराज दा अगला सवाल सी ना भी साडे कोलों जदों गया मिलके फिर गया कित्थे है ते वकील ने जवाब दिता महाराज वो किते नहीं गया तुहानू मिलके गया है तुहाडे उहने दर्शन कर लै होर दर्शनां दी इच्छा रह ही नहीं गई है होर ते दुनिया सोहणी लगदी नहीं होर ते राजे उसनू चंगे नहीं लगते होर ते धरतियां भी चंगियां नहीं लगदियां केवल तुहाडा दर्शन ही उसनू इन्ना चंगा लगता है कि तुहाडे दर्शनां दे विच उह मोहिया गया है। महाराज जी जदों दे तुहाडे दर्शन करके गया है तुहाडा दर्शन इन्ना सोहणा है भी वह किते नहीं गया अपने महलां विच ही टेके बैठा होया है रहो सदन मन आनंद भयो अपने घर विच बैठा होया है बड़े आनंद दे समेत बड़ी खुशी उहदे मन दे विच है भी मैं साहिब सतगुरां दे दीदारे किते ऐसे आप जी दे दीदारे करके उहदियां इच्छा सारियां पूरियां हो गई उहनू हुण किते जाण दी लोड़ नहीं अगे ते बड़ा शौक रखदा सैर करन दा आउण जाण दा घुम्मण फिरन दा पर महाराज तुहाडे दर्शन करके उहदे सारे दे सारे चा पूरे हो गए हुण आखदा भी महाराज तो बिना ते होर किसे नूं वेखण दा जी नहीं करदा तुहाडे दर्शन करके ऐसा निहाल होया वह अपने घर में जाके बैठ गया महाराज किते नहीं गया वो तुहाडा ऐसा सेवक बनया है। मम आगमन सुनो प्रभ कारण ते सतगुरु पातशाह सुनदे पै जिहड़ी तारीफ करदा पिया सुनदे पै पातशाह जानदे ने भी ये लोड़वंद है ये जिहड़े इन्ने वचन किते कोई चाहीदा सतगुरां ने सवाल किया कहन लगे वजीर ये दस भी तू क्यों आया है वो तो गल्लां ठीक भी राजा बड़ा चंगा तो साडी तारीफ करदा चंगी गल है
जे करेगा तो उहदा फल मिलेगा, जिहड़ा गुरु की उस्तत करेगा वडियाई करेगा तो फल तो उन्हूं मिलेगा ना, उन्हूं फल उहदा मिल जाना। हुण ये दस भी तू क्यों आया है, तेरे आउण दा की कारण है, अपने प्रयोजन दस, मतलब दस क्यों आया। हुण ये वकील की दसदा महाराज जिया नूं, ते सतगुरु इहदियां गल्लां सुण के फिर अगों जवाब की देणगे, उत्तर की देणगे। ये बचन आपां कल दे दीवान विच सरवण करांगे, समय की समाप्ति, भुलां की मुआफ़ी। बचन उपदेश गुरु का हिरदे वसे, भुलां दास दियां मुआफ करनियां। लेखा कत है न छूटी है, बख्शन हार बख्श लै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ।